हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी, आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो गुड़ तिल के लड्डू है, मूंगफली मिक्स, तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू पूरी ट्रिक के साथ बताएंगे कि आप 5 मिनट के अंदर में ये लड्डू बना लेंगे। और इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये लड्डू वाली गुड़ है, मैं आधा किलो लड्डू तो आधा किलो गुड़, और ये मूंगफली है जिसको मैं भून के रख चुकी हूँ। तिल को भी साफ धोकर सुखाकर इसको मैं सूखी कढ़ाई में भूनूंगी, उसको भी दिखाऊंगी, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। तेल हल्की कढ़ाई गरम है, अब इसमें 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इस मूंगफली को भूनूंगी। जब मूंगफली में चटकने की आवाज़ आए तब बंद कर देना है, और हल्का गर्म होने पर ही इसके छिलके निकाल कर, छिलके बाहर साफ कर इसको रख लूँगी। तो एकदम हल्के आंच में मूंगफली को लो आंच में भूनना है ताकि मूंगफली जले ना। अब ये उसी गर्म कढ़ाई में मैं तिल को डालूँगी और एकदम मध्यम आंच में 5 मिनट तक तिल को भूनते रहना है। और जब तिल से चटकने की आवाज़ आए और खुशबू सौंधी आने लगे तब इसको बंद करना है। तो चम्मच चलाते रहना है तिल भूनते वक्त। तो हमारे चैनल को लास्ट तक ज़रूर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लड्डू है। तो मैं आपको आँच भी दिखा दी हूँ, मेरे गैस का आँच मीडियम ही है क्योंकि इसमें आँच थोड़ा कम है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तो बहुत ही स्वादिष्ट काले तिल की लड्डू है जो मकर संक्रांति स्पेशल है, और मकर संक्रांति में तो इसका बनाना अनिवार्य होता है हमारी धार्मिक मान्यता के हिसाब से, कि काले तिल का लड्डू ज़रूर खाएं। यह स्वास्थ्यवर्धक होता है और पुष्टिवर्धक है। तो अभी मेरे तिल भून चुके हैं, एक अलग भगोने में डाल देना है क्योंकि कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, नहीं तो तिल जल जाएगी और जले हुए तिल का स्वाद अच्छा नहीं रहता है। तो जब तिल में चटकने की आवाज़ आए तो समझ जाइए कि तिल भून चुका है, वही उसकी पहचान है, और बहुत सुंदर खुशबू भी आ रही है। अब ये लड्डू है तो उसी गर्म कढ़ाई को साफ करके मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ के लिए लड्डू वाला गुड़ बोलने से ही मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। और इसमें 2 चम्मच ही मैं पानी डालूँगी, देखिए बस इतना ही पानी डालूँगी ताकि बाकी को मैं रख दूँ, जिससे कि गुड़ जले ना, बस उतने ही पानी डालना है। और ये गुड़ बहुत साफ गुड़ है, अगर आपको लगता है कि गुड़ में किसी भी प्रकार का कचरे हैं तो गुड़ को पानी में इसी तरह भिगा कर और उसको ठंडी होने के बाद छान कर फिर लड्डू बनाना है, जब गुड़ अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। पानी बस इतना ही डालना है। मेरे गुड़ एकदम साफ था, एक भी कचरा नहीं है। और मैं अपने पिछले वीडियो में भी दिखाई हूँ कि गुड़ को किस तरह से साफ करना चाहिए। तो इसमें 2 बूंद दूध डाल दीजिए नॉर्मल, और उसके बाद इसके कचरे ऑटोमेटिक बाहर निकल जाते हैं। तो ये मेरा मीडियम आँच है, गुड़ जलना नहीं चाहिए। और देखिए किस तरह से उसकी चाशनी तैयार है गुड़ की, बस चम्मच चलाते रहना है और इस तरह से उसको चेक करना है। तो एक तार ही चाशनी होना चाहिए, मतलब चिपचिपा होना चाहिए। गुड़ बहुत गर्म है तो आप पानी छूकर ही उसको देखना है। देखिए एक तार बढ़ रहा है, आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से चेक करना है, बहुत ज़्यादा गुड़ गर्म है, आप लोग ऐसे हाथ से मत छूना है। देखिए तो बस चिपचिपा होना चाहिए और एक तार की चाशनी। अब इसमें तिल, भुनी हुई तिल को डाल देना है, और इसके ऊपर से मूंगफली जो मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ, भुनने के बाद उसके छिलके निकाल कर
साफ कर ली थी, तो अब सबको मिक्स कर लूँगी। तो आधा किलो तिल में आधा किलो गुड़ डालना है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो थोड़ा कम कर लीजिए, मगर दोनों का मात्रा जो बराबर होनी चाहिए। और इस तरह से मिक्स कर लीजिए। आँच एकदम मध्यम या बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी चाशनी एक तार की तैयार है, तो उसको गैस को बंद ही कर देना है, नहीं तो आपके लड्डू जो है कड़क भी बन सकते हैं। मेरी लड्डू एकदम सॉफ्ट बनी हुई है, आगे तक लास्ट तक ज़रूर देखिए, तो आप देखे होंगे कि कितना अच्छे से लड्डू बन जाता है। ये देखिए, तिल गुड़ और मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली, इन तीनों के मिक्स से लड्डू का बहुत ही स्वाद रहता है। आज काले तिल का बहुत महत्व है मकर संक्रांति में। अब इसको मंदिरों में भी चढ़ाएंगे और सबको खाने के लिए बांटेंगे भी। इस तरह से बहुत गर्म है कढ़ाई, हल्की ठंडी हो जाए फिर लड्डू बनाना, क्योंकि बहुत गर्म है। और लड्डू जब भी बनाएं तो हाथों में पानी लगाकर बनाएं, क्योंकि गुड़ है तो चिपकता है। ये देखिए, तो अब मैं इसमें आपको पानी लगाकर बताती हूँ कि ताकि पानी लगाकर बनाने से लड्डू बहुत अच्छे से बनते हैं। हल्का हाथों में पानी लगा लीजिए, देखिए अभी गर्म है, जब हल्का ठंडी हो जाएगी तो लड्डू एकदम गोल गोल बन जाएंगे। तो पहले इस तरह से लड्डू बनाकर मैं रख ली हूँ, उसके बाद हल्की ठंडी हो जाएगा तो उसको फिर से गोल गोल बना लूँगी। तो बहुत आसानी से लड्डू बन जाते हैं, ना तो लड्डू फूटते हैं और ना ही कोई परेशानी होती। तो इस तरह से पहले बना बना कर रख लेना है, फिर जब हल्की ठंडी हो जाए तो लड्डू एकदम गोल बन जाते हैं। तो हल्की गर्म होने में ही बनाना है। हमारे चैनल को लास्ट तक देखते हैं तो धन्यवाद आप सभी का। और इसके बाद खिचड़ी की भी रेसिपी बनाएंगे, जो आपको शेयर करेंगे। आप देखना कि हमारे छत्तीसगढ़ का मकर संक्रांति में खिचड़ी स्पेशल है, जो किस तरह से खिचड़ी बनाते हैं। तो देखिए ये लड्डू, तो आधा किलो तिल में आधा किलो लड्डू के लिए गुड़ लगता है। देखिए तो कितने ढेर सारे लड्डू तैयार हो गए हैं मेरे, तो बड़ी बड़ी लड्डू बनाई हूँ, आप चाहें तो उसे छोटी छोटी भी बना सकते हैं। इस तरह से अब लड्डू ठंडी हो चुकी है और एकदम गोल गोल बनने लगी है। तो आप इस तरह से बनाने के बाद एक बार फिर से आप उसे गोल गोल लड्डू बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। और ये लड्डू बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है। तिल को सौंधी होने तक एकदम, देखिए पानी लगाकर इस तरह से आपको लड्डू को गोल कर लेना है। तो तिल को सौंधी होने तक भुनना है, परंतु आँच का पूरा ध्यान रखना है कि तिल जले ना, नहीं तो कड़वी लगेगी लड्डू। और जब चटकने की खुशबू आए तो गैस का आँच बंद कर देना है। तो हमारी लड्डू पूरी तैयार है। हमने आपको पूरी ट्रिक बताई कि किस तरह से लड्डू बनाना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से लड्डू का स्वाद बिगड़ जाता है। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को वॉच कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, तो बहुत आसान ट्रिक है। तो हमने अपने पहले ही वीडियो में तिल किस तरह से साफ करना है और किस तरह से लड्डू बनाना है उसको भी हम बता चुके हैं। तो हमारे सभी वीडियो को ज़रूर देखिए, ये मकर संक्रांति स्पेशल है। और सफ़ेद तिल की भी लड्डू और तिल कूट वाली भी लड्डू आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए कितना सुंदर लड्डू तैयार है, एकदम गोल गोल है। आधा किलो लड्डू के लिए तिल में आधा किलो गुड़ की ही ज़रूरत होती है, और 2 चम्मच ही पानी डालना है। तो लड्डू तैयार है। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू।